अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये आए हैं ईद के गिफ्ट मेरे लिए। तो ये देखें, ये है जलेबियाँ और ये स्पेशल मिठाई है, ये जर्मनी से ऑर्डर पे बनवाई है। इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। ये माशाल्लाह से जर्मनी से स्पेशल बनाई है देवर मेरे ने। तो ये बहुत ही टेस्टी लग रही है, लेकिन अभी हमारा रोज़ा है, रोज़े के बाद उसको खोलेंगे, खाएंगे फिर, ठीक है। और ये साथ में आई है मेरी ईद, ईद के मेरे गिफ्ट आए हैं, ये बच्चों के हैं। और इसके बाद है, ये है मेरी, ये है मेरा गिफ्ट। तो देखें कितना खूबसूरत है ये, इसके अंदर परफ्यूम, लोशन, बॉडी स्प्रे, सारा कुछ इसके अंदर आ गया है। तो इसकी तो माशाल्लाह खोलने से ही बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो बस परदेस में छोटी छोटी खुशियां होती हैं, दिल करता है कोई अपना हो जो कोई तोहफा दे, गिफ्ट दे। तो ये मुझे मेरे देवर ने गिफ्ट दिया है ईद का, और साथ में ये बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेकर आए हैं। ईद जीद आई तो याद आ गया कुछ पिछला पुराना, कि जब ईद आती होती थी तो एक पार्सल आता आता था अम्मी के घर से, उसमें बच्चों के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, मेरे कपड़े और चीज़ें होती थी, ईद की चीज़ें होती थी। तो अब तो वालदैन नहीं है, वालदैन फोत हो गए हैं। तो लेकिन ये है कि दिल करता था अब परदेस में कोई हमें भी ईद दे, उसी तरह ईद आए हमारी। तो माँ की ईद का तो कोई नेमुल बदल नहीं है, लेकिन चलें जिन्होंने ये ईद मुझे बहन समझ के दी है उनका भी जज़ाकअल्लाह बहुत बहुत। और ये माशाल्लाह से हमारी 30वीं अफ्तार, आज 30वां रोज़ा है, जुमे का दिन है, सुबह ईद है। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, अल्लाह ताला ईद की ढेरों खुशियां दिखाए सबको, और जो इबादत की है अल्लाह ताला वो भी कबूल फरमाए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दुआ में रखें याद, और मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।